नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है कोकोनट लड्डू। कोकोनट लड्डू आज मैं बना रही हूँ मिल्क मेड के साथ। ये बहुत ही इजी लड्डू है, जल्दी से तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इसके लिए मैंने सामग्री ली हुई है, लगभग एक कप मैंने कोकोनट का बूरा लिया हुआ है, नारियल बूरा लिया हुआ है और ये बहुत बारीक है ये, और हाफ कप मैंने मिल्क मेड लिया हुआ है, और लगभग 6 से 7 इलायची का पाउडर बना लिया है और 8 से 10 बादाम की कतरन कर ली है मैंने। शुरू करते हैं कोकोनट लड्डू बनाना। तो सबसे पहले कोकोनट को भूनना होगा हमें, जिसके लिए मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे, गैस ऑन कर दिया है और इसको अब मैं डाल दूंगी कढ़ाई में, और आंच एकदम कम रखनी है और इसे लगातार चलाते हुए भून लूंगी। कलर इसका चेंज नहीं होने देंगे क्योंकि वाइट अच्छे दिखते हैं लड्डू। लगभग 1 से 2 मिनट भून लूंगी। देखिए नारियल का बूरा अच्छे से भून चुका है, कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है इसका। तो अब मैं इसमें इलायची पाउडर डाल दूंगी और इसमें बादाम की कतरन भी डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें मिल्क मेड डालूंगी, एकदम से सारा नहीं डालूंगी। मिक्स करते जाऊंगी। इसकी बाइंडिंग होने लग जाएगी और इसी तरह हमें लगातार चलाते रहना होगा और आंच एकदम कम रखनी होगी। अब अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देखिए अच्छे से मिल्क मेड डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। गाढ़ा होता है मिल्क मेड और आंच से थोड़ा सा मेल्ट होकर के अच्छे से मिक्स होते जाता है बूरे में। जैसे मैंने हाफ कप लिया हुआ है मिल्क मेड, अगर जैसे हमने बूरा लिया हुआ है, जैसे किसी में ज़्यादा लग रहा हो तो आप मिल्क मेड थोड़ा सा और डाल सकते हैं कि जैसे हमको लड्डू बन सके उस तरह से होना चाहिए ये बैटर पूरा। ये देखिए अंदाज़ा लग जाता है कि हमको कि लड्डू इस तरह से बन जाएंगे। ये देखिए बाइंडिंग अच्छे से तैयार हो गई है ये। अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी, गैस ऑफ कर दूंगी और इसे थोड़ा ठंडा होने दूंगी जितना कि हम हाथ से लड्डू बांध सकें। लड्डू के लिए जो मिश्रण बनाया था हल्का सा ठंडा हो गया, आप इतना ठंडा कर लीजिए जितना कि आप हाथ में गर्म सह सकते हैं। अब मैं ले लूंगी ये मिश्रण, जितना बड़ा या छोटा लड्डू आपको तैयार करना है, और अच्छे से बांध लेंगे इसे। और ये गर्म है अभी तो मैंने ये नारियल का बूरा एक प्लेट में फैला लिया है। ये देखिए अच्छे से बंध रहे हैं लड्डू, देखिए काफ़ी अच्छे से बन गया है लड्डू। और ये बूरे पे अब मैं ये पूरी तरह से, ये देखिए बहुत ही अच्छे से लग चुका है ये, और ये गर्म है तो अच्छे से चिपक जाएगा और वे काफ़ी चिपचिपा सा भी हो जाता है मिल्क मेड से। ये देखिए काफ़ी अच्छे से हो गया। देखिए 2 से 3 लड्डू बना लिए मैंने, काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं इसमें नारियल का बूरा लग जाने से। इसी तरह मैं सारे मिश्रण के लड्डू बना लेती हूँ। ये देखिए अच्छे से दबा लीजिए और कोशिश करिए कि गर्म रहे थोड़ा, क्योंकि इसमें ये बूरा अच्छे से चिपक जाएगा। और ये देखिए ठंडा होने के बाद अच्छे से नहीं चिपक पाएगा। देखिए इस तरह से लड्डू तैयार करते जाती हूँ। कोकोनट मिल्क मेड के इजी लड्डू बनके तैयार है खाने के लिए। ये लड्डू बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं, लगभग 10 मिनट के अंदर ये लड्डू तैयार हो जाते हैं। अगर आपको झटपट कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो आप कोकोनट और मिल्क मेड से ये लड्डू जरूर तैयार करके देखिए, आपको पसंद आएंगे। और कमेंट करके भी बताना ना भूलें कि कोकोनट और मिल्क मेड के इजी लड्डू आपको कैसे लगे। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।